الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على النبي المختار محمد وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون تمام تعريف قسم كبرائي وكبريائي सलाह so अजल के लिए है जिसने हम पर इबादत को फर्ज किया और अखलास का हुक्म दिया तरीक़ा इबादत का बताने के लिए पैगम्बरों की बेहस फरमाई आसमान से किताबों को नाजिल किया हिजत पूरी हो गई अब क्यामत का दिन कोई बहाना नहीं कर सकता है कि हमारे पास डराने वाले नहीं आए सुहा बहमदी ही सुफ़ानल्दीम सलातम इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी इमाम्बिया महमदुररसूल सल्लास की दाते ग्रामी पर जिन्होंने हम तक अल्लाह का दिन पहुँचाया इबादत का तरीक़ा सिखाया और उनकी सुन्नत पर ही इबादत करने की ताकीद फरमाई दीन में नए कामों से दूर रहने का हुक्म दिया और उनकी गुमराहियों से बाखबर किया اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنَّكَ حميد مجيد الحمد والصلاة بعد آدس رمضان المبارك 1441 حجري تطابق 3 مايو 2020 اسوين مختصر قرآن أحكام इस खसूशी दर्श में जो रमजान के लिए है आप हाजिर हैं मतलब आप सुन रहे हैं लाइव मिक्सलर पर आज सूर्य नाम की एक आयत लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आयत नंबर एक सौ इक्यावन जिसमें बड़े बडे हराम चीजों का जिक्र है और ये बताया गया है कि ये चीज़ें हराम कर दी गई हैं और ला की वसीयत है इसमें जिस पर अमल वाजिब है क्योंकि ये जो दुनिया की जिंदगी है या बल्कि अगर आप कुरान देखें तो अहकाम दो किस्म के होते हैं एक में इम्तिसाल है दूसरे में इजतनाब है कुछ करने के लिए कहा गया तो वो करना वाजिब है उसको इंतसाल कहे इंतसाल कहते हैं अरबी में यानी हुक्म की बजावरी उर्दू में कहते हैं हुक्म बजा लाना और दूसरी चीज होती है नवाही हराम चीजें मना करदा चीजें उनसे इज्तनाप वाजिब है कुछ काम करने के हैं जिनको करने के लिए कहा गया है कुछ काम नहीं करने के हैं तो उनसे दूर रहने के लिए कहा गया यही दो चीजें हैं अवामर नवाही ऑर्डर्स डिसऑर्डर्स अगर इसका ख्याल करते हुए मुसलमान दुनिया में जिंदगी गुजारे कि जहां हुक्म है वहां लब्बैक है जहां रोक रोका गया है वहां दूर हट जाए तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएगा और फिर उसके लिए कामयाबी ही कामयाबी है दुनिया बन जाएगी आखिरत संवर जाएगी जन्नत मिलेगी जन्नत की तमाम पायदार हमेशा वाली नेमतें भी मैसर होंगी उसके लिए अल्लाह अजो से दुआ गो हों कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तोहफ़ अदा फरमाए और एक अहम नुकते को बताते हुए मैं आयत को आयत का ख़ुलासा आपके सामने या ये जो काम है इस आयत में इन आ, इस शायत में वो भी बयान कर दूँ जहां तक जो है अवामिर और नवाही है ऑर्डर डिसऑर्डर्स मुक़ल्लफ़ पर इन सो जिन पर हैं ये सब अहकाम तो इंसान अहक़ाम जहां तक है अवामिर जहां तक है तो वहां मुख्तलिफ हो, होते हैं इंसान मतलब कोई उस हुक्म पर अमल कर सकता है कोई नहीं कर सकता है कोई उस हुक्म को बजा ला सकता है कोई नहीं बजा सकता क्योंकि सबकी अलग अलग है तो अल्लाह अल्लाहजल की रहमत है कि अल्लाह तला ने उन लोगों का ख्याल किया है खास तौर से जो हुक्म पर अमल नहीं कर सकते हैं तो फिर वहां वो हुक्म हट जाता है उनसे मतलब साकित हो जाता है फिर वहां आसानी होगी ऐसे नहीं कि आप अमल ही ना करें नहीं आपको जो हुक्म दिया गया है अमल करने के लिए आप उस तरीके पर अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आसानी क्या है वो देखिए आप जिस आसान तरीके से आप उस हुक्म को बजा ला सकते हैं जो आपकी वसात और इस्तात में है उस तरीके से आप अमल कीजिए और इसी को कहते हैं रफुल हरज तंगी नहीं इस्लाम में दीन आसान है इसकी ढेर सारी मिसालें हैं अभी रमजान के हम महीने में हैं रोजा रखना हुक्म अल्लाह का ठीक है मालूम है सबको अमन तो शहीद अमीन को मुशाहरा फल या हो रोजा रखो लोग रोजा नहीं रख सकते हैं जैसे बूढ़े लोग बीमार लोग कमजोर लोग हामिला औरत दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को औरत ये लोग अपनी मजबूरियों की वजह से रोजा नहीं रख पाते हैं तो हुक्म तो है ना या तो फिर इनके लिए फिर उत है क्यों क्योंकि इस्तात नहीं है क्योंकि हुक्म तो है सबके लिए लेकिन हर कोई इस पर अमल नहीं कर सकता है जैसे हमने अभी मिसाल दी आपके सामने बूढ़े हैं पेशेंट्स हैं दायमी बीमार हैं या कमजोर लोग हैं बाद मुसाफिर होते हैं जिनके लिए रोजा बहुत मुश्किल हो जाता है या इसी तरीके से हामेला दूध पिलाने वाली औरतें भी होती हैं तो फिर इन लोगों के लिए रुखसत की एक राह निकाली गई कि ठीक है आप बाद में कला कर लो अगर बाद में भी नहीं कर सकते तो फिर फिदिया दे दीजिए जैसे बूढ़े लोग हैं जो तो नरमदान रमदान के बाद में लेकिन जहां तक दूसरी चीज आती है जो अहकाम ही में है नवाही रोका गया है तो वहां इस्तात नहीं है वहां ये नहीं के ठीक है भाई बूढ़े आदमी है औरत है जवान आदमी है उसको रोका गया है किसी चीज से तो वो कहता है नहीं जवानी है कैसे मैं रुकू ऐसा मामला नहीं है इस पॉइंट को सुनकर आप आगे बढ़ेगा आगे सुने जहां डिसऑर्डर्स हैं नवाही हैं ये मत करो ये मत करो ये हराम ये हराम ये हराम ये हराम बचना है और बचने के लिए ताकत नहीं चाहिए किसी काम को अंजाम देने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है अगर आपसे कहा जाएगा कि ये सोफा यहां से हटाइए तो आप हटा सकते हैं औरत नहीं हटा सकती है या बूढ़ा नहीं हटा सकता है जवान बच्चा हटा सकता है लेकिन अगर आप सबको यह कहा जाएगा कि इस सोफे को हाथ मत लगाइए आप इस सोफे को हाथ मत लगाइए तो यहां सब बराबर होंगे कोई यह नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा कैसा मुझे तो लगाना है जवानी में हाथ नहीं लगाऊंगा तो फिर कब लगाऊंगा ऐसा मामला नहीं है तो इस नुकते को जहन में रखिए अल्लाह के नबीम ने इसीलिए हदीस में क्या फरमाया जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूं तो जितना हो सके देखिए जितनी इस्तित हो जितना हो सके जितनी ताकत हो तर्जुमा सब फ तुम इन हो तुम उस हुक्म पर अमल करो जो करने के लिए मैंने कहा है वह इदा नहीं तुकुमी और अगर किसी चीज से रुकने के लिए मैं कहूं मैं मना करूं रोसलाते हैं फज इधनी रुक जाओ वहां ये नहीं कहा कि जितना हो सके रुको जिससे बाल लोग कहते ना नहीं भाई हराम है मजबूरी है अरे कोई मजबूरी नहीं है भाई हराम काम नहीं करना है नहीं करना है खलास। छोड़ना है या तो फेल है या तो तर्क है या तो करना है या तो छोड़ना है आइए हमारे पास जो आज आयत है इसमें तर्क है मतलब छोड़ना है अल्लाह तबारा ने फरमाया कुल कह दीजिए कौन कल भी आई थी आय कुल

वबिल बिल वाल एहसाना और वाल के साथ उसने सलूक करो अच्छा बर्ताव करो वला औलादकुम मिन इमलाक और खाने के डर से अपने बच्चों को कत्ल न करो नहनु नरज़ुकुकुम व इयाहुम हम तुमको भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रिस्क देते हैं वाला तबाह बपन और गुनाह जो जाहिर हो या छुपे हुए हो तुम उनके करीब मत जाना वाला और जिस नफ्स के जिस नफ्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम कर दिया जिस जान के लेने को अल्लाह ने हराम कर दिया तुम उसका कत्ल मत करो जान मत लो सिवाय हक के तअक़िलून ये वसीयत उसने तुम्हारे लिए की है शायद के तुम समझ जाओ गौर कीजिए करीमा पर नंबर एक शिर्क प्यारे नबी ससम से कहलवाया जा रहा है कि आप पढ़कर बता दीजिए कि हराम चीजें क्या है जो रब ने की हैं माह्रमा रबो तुम्हारे रब ने हराम किया है और मैं कल कल मेरे ख्याल से मैंने कल वाले दरस में आपको बताया था कि हराम हलाल अल्लाह के हाथ में है अल्लाह ने जिसको हराम, 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 हराम किया वो हराम अल्लाह ने जिसको हलाल किया वो हलाल हरमत कहते हैं तहरीम तहलील तहरीम हराम करना तहलील हलाल करना अल्लाह का अल्लाह का फैल है कोई अल्लाह के हराम चीज को हलाल नहीं कर सकता ना हल्ला ना हलाल को हराम कर सकता है रबालमीन ही है इसीलिए नबीम क्या भरमाना है अल्लाह क्या फरमा है आप पढ़कर बताइए इनको माँ हर्रम भुक तुम्हारे रब हराम कर दिया है हराम मतलब हलास नहीं जाएगी उसके ऊपर नहीं करना है कुछ हराम मतलब तर्क है हराम को तर्क किया जाएगा हलाल को हलाल फैल किया जाएगा फैल और तर्क है ना जिंदगी में करना नहीं करना ये नहीं करने वाले काम होते हैं क्योंकि ये हराम है ठीक है सबसे बड़ी चीज शिर पहली चीज जिसका जिक्र यहां पर मौजूद है शिरक हराम है शिरक सबसे बड़ा गुना है और शै का लफ्ज है थोड़ा भी नहीं, ये नहीं के थोड़ा चलता नहीं चलता थोड़ा भी गुंजाइश ही नहीं है भाई शिर शिर की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि आप ऐसी आयत बहुत सारी जगह देखेंगे जहां नकीरा लफ्ज आया है जो अरबी ग्रामर पढ़ते हैं समझो उनको मालूम है कि नकीरा जो है ये आम होती चीज खास नहीं होती चीज शईआ

अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी और को शरीक मत करो तकरीबन इब्न अब हातिम रही है जिन्होंने अब्दुल्लाबिन अब्बास रजी अल्लाह के उस कौल को शरीक उस कौल को जिक्र किया है तफसीर में जहां अब्बास जहाँ अब्दुल्लाबिन ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत करो यह मत कहो कि अगर घर में कुत्ता ना होता चोर आ जाते ये मत कहो कि घर में बिल्ला ना होता तो चोर दाखिल हो जाते ये मत कहो कि अल्लाह जो चाहे और फला जो चाहे अल्लाह और फला ये सब शिरकत है मतलब कुत्ते की वजह से जो जान में, आ, माल महफूज नहीं हुआ अल्लाह का करम हुआ ये तो सबब बना लेकिन अल्लाह का फजल मत मिलाओ अल्लाह के साथ बिल्ला नहीं सिर्फ बिल्ले की वजह से जो है अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि यह मत कहो कि बिल्ला था इसलिए चोरी नहीं हुई अल्लाह कहाँ है घूर गए अल्लाह को और ये मत कहो कि अल्लाह जो चाहे और फला जो चाहे ये सब मिलावट है ही मत मिलाओ मत मिलाओ अल्लाह के साथ किसी को उन्होंने आयत की तफसीर में कहा तो शिर बिल्कुल सबसे बड़ा गुना है आसमान और जमीन का सबसे बड़ा जुर्म है जिससे जमीन का अमन खत्म हो जाता है और लोगों के दिलों की जिंदगी का सुकून उठ जाता है आमाल की बर्बादी होती है चेहरे का नूर खत्म हो जाता है आदमी जहन्नम हमेशा रसीद होता है अगर शिरक पर मौत आ जाए शिरक अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है सबसे ज्यादा गुस्सा होता है अल्लाह शिरक से सबसे ज्यादा गुस्सा होता है अल्लाह शिरक से सबसे ज्यादा इसीलिए उससे बचना बहुत जरूरी है आराम चीज है बिलवाल एहसाना दूसरी चीज का हो माँ बाप के साथ उसने सुलूक मतलब नाफरमानी से बचो माँ बाप के साथ माँ बाप के साथ उसने सुलूक वाल देखिए ये एक आयत है ऐसी कई आयतें हैं और चाला ने अपने हक के बाद अल्लाह का हक क्या है तोहहीद है अल्लाह का हक तोहहीद है और उसके बाद माँ बाप का हक है एहसान एहसान की तफसीर में बयान किया कि अकवाल व अफाल ऐसे हों जिनसे वो खुश हों माँ बाप के साथ आपकी अकवाल आप ऐसे जिससे वो खुश हों राजी हो जाए और करो वो सारे काम जिससे वो खुश और राजी हो हर अच्छी बात एहसान है हर अच्छा काम माँ बाप के साथ जो किया जाए रवैया वो एहसान है तो अल्लाह ने हुक्म दिया लेकिन जहाँ कौल गलत होगा और फैल गलत होगा तो फिर वो नाफरमानी है और नाफरमानी हराम मतलब क्या शायद का कि शिरक जैसे हराम है वैसे नाफरमानी भी हराम है अल्लाह की वाले की बशर्त बशरत की उसमें कंडीशन है जो हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि उसमें अल्लाह की नाफरमानी ना हो अगर अल्लाह की नाफरमानी नहीं हो रही है तो फिर मां बाप की नाफरमानी नहीं करना है या इता नहीं करनी है अगर उनकी बात मानने में अल्लाह की बात का इनकार हो रहा है तो फिर ऐसी सूरत में उनकी बात तस्लीम नहीं की जाएगी वगरना वाजिब है उनकी बात पर अमल करना तीसरी चीज अल्लाह ने बयान फरमाए शाह में वा तक खशियत इमलाक अपने बच्चों को खाने के डर से कत्ल मत करो क्या है भैया है अल्लाह का मत करो तो छोड़ना है बच्चों को खाने के डर से मतलब बच्चे पैदा होते हैं ठीक है मिया बीवी शादी करते हैं शादी जो एक जरिया है औलाद का एक वसीला है जायज और हलाल जिससे बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं ठीक है तो उसको रोकना नहीं है मतलब बच्चों की पैदाइश को नहीं रोकना जो मशहूर है लोग जानते हैं उसको अबॉर्शन, वो भी आएगा इसमें ऑपरेशन जो कर लेते हैं औरतें कि बच्चे ना हो इसके कई रीजन हो सकते हैं ऑपरेशन अगर खाने के डर से देखिए क्योंकि यह है है इमला इमलाक का मतलब यह होता है कि वो खाए आपके साथ हदीसों में भी इसका जिक्र मौजूद है कि ऐसे इस वास्ते बच्चे नहीं लाना दुनिया में कि कहाँ से लाकर खिलाएंगे उनको बच्चे पैदा होंगे बच्चे ज्यादा होंगे वो है ना हम दो हमारे दो हम दो हमारे तीन हम दो हमारे एक पता नहीं क्या चल रहा है आजकल का पहले तो हम दो हमारे दो ऐसा याद था मुझे जुमले बोलते थे क्या छोटी फैमिली खुश फैमिली बेकार बातें सब अल्लाह के नबी नबीम की बहुत सारी महाराज इसमें बहुत सारी बातें हैं वक्त नहीं है हमारे पास नबी ने फरमाया ऐसी औरत से शादी करो जो बच्चे ज्यादा हो कैसे पता चलेगा उसके भाईओं बहनों को दे मैं तुम अब मैं अपनी उम्मत पर क्यामत के दिन फखर करूँगा हादी से मौजूद रोकना नहीं किस डर से कि खाना कहां से लाके खिलाएंगे क्योंकि आगे बता दिया खिलाना रिस्क देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपका काम नहीं है रजाक ऊपर है अल्लाह अल्लाहल वो असबाब मुहैया कर देगा बच्चे आएंगे उनका रिस्क भी अपने साथ लेकर आएंगे और रजाक उनको रिस्क देगा अब्बा के या माँ के अगर अब्बा है कमाने वाले अगर माँ मा, वालिद नहीं है सिर्फ माँ ही चलाती है घर को तो अल्लाह तला बना दोनों हो या एक हो या दोनों भी हो तो उनके रिस्क में अल्लाह जो है बरकत दे देगा तो बच्चों का रिस्क भी आ जाएगा उसमें नो no डाउट क्योंकि इसीलिए नानो नर्सों को कुमैया तो ये हराम है जायज़ नहीं है बच्चों को इस डर से कतल क्या के दिन ये पूछेंगे अल्लाह से पूछेगा कि तुमने क्यों कत्ल किया बच्चों को बच्चों की पैदाइश को रोकना गलत है अबॉर्शन या जो भी अबॉर्शन तो अलग है वो खैर वो भी इसी में आएगा ऑपरेशन जो किए जाते हैं ताकि बच्चे ना हो ज्यादा लेकिन अगर इसकी वजह मजबूरी है दुनिया भी जैसे आ, औरत का कमजोर होना और डॉक्टर्स कहते हैं कि इनकी जान के लिए खतरा है जान के लिए खतरा है या बच्चे का लिए खतरा है बच्चे की जान या माँ की जान को खतरा है कि अगर आगे प्रेग्नेंसियां होंगी और ये पक्की बात है क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा खेल खेला जाता है जो उसको कहते हैं क्या तनसीब ठीक है न सारा यहूद जो दुश्मन है मुसलमानों के वो बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ करते हैं उसको बाकायदा वंद रूडनी एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है जितने मुसलमान औरतें आए डिलीवरी वगैरह इसीलिए जो है मेटर्निटी मुसलमानों का अगर हॉस्पिटल्स हो जाए ना लोगों के पास पैसा है पता नहीं पैसा क्या क्या कर रहे हैं अल्लाह जजाय कर दे हमारे एक भाई हैं वो हमेशा कहते हैं कि एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए जो मुसलमानों के हाथ में हो जहां जबरदस्त डॉक्टर्स हों मेटरनिटी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं में तो ये लोग साजिश करते हैं कि मुसलमानों की जो है नस्लें कम हो जाए खत्म हो जाए इस्लाम ने रोका है ये जायज नहीं है याद रखना सिवाय मजबूरी के अगर किया है तो फिर अल्लाह से तोबा कीजिए माफी मांगी बस और कोई हल तो है नहीं अगर हो चुकी है गलती तो सिवाय तोबा के और कुछ नहीं है अल्लाह ने फरमाया न हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं उनको भी रिस्क देते हैं रजाक हम हैं तो उनके आने को इसलिए रोकते हो कि कहीं रिस्क का प्रॉब्लम ना हो जाए कहां से लाके खिलाएंगे जिसको बोलते हैं ना कहा से लाके खिलाओगे बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हो कमाई नहीं है वही कमाई नहीं है उसकी गलती है मर्द की जिम्मेदारी है कि वो कमाए और अपनी बच्चे का खर्च उठाए ये मर्द की जिम्मेदारी है तो बच्चों को रोकना हराम है जायज नहीं है बच्चों की पैदाइश को कतल करना या रोकना उसको कत्ल कहा गया देखिए ला औलादकुम अपनी औलाद का कत्ल मत करो अजीब कत्ल उला है ये आने का रास्ता आपने बंद कर दिया उसका मार दिया उसका तो आप कातिल हुए ना फिर तो कातिल के तो सजा है ना आप किल्लर है फिर और किल्लर को सजा मिलती है अल्लाह के पास न रोकियाँ सबक जो है जिसकी वजह से कत्ल हो रहा है उस सबब को अल्लाह ने खत्म कर दिया कहा के रिस्क तो हमारे हाथ में अल्लाह रिस्क देता है कब कहा कैसे रिस्क देता है अल्लाह सुल्हान अल्लाह देखी अल्लाह के नबी सल्ला की हदीत है आप फरमाते हैं कोई भी नफ्स कोई भी इंसान कोई भी जान उस वक्त तक नहीं जाएगी दुनिया से इंसान उस वक्त तक नहीं मरेगा हटा युस्तुफिया तो रिस्का जब तक कि अपने रोज रिस्क को मुकम्मल पा न ले हासिल न कर ले जो उस अल्लाह ने उसके लिए मुकदर किया है ना रिस्क जब तक उसको पूरा ना मिल जाए उस वक्त तक उसकी मौत नहीं होगी यह हदीत है सही हदीस है यहां तो जब रिस्क जितना लिखा हुआ है वो तो मिलता है उसको मौत नहीं होगी उस वक्त तक तो फिर आप उसको क्यों मारते हैं रिस्क की वजह से और वो बात आप जानते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया बच्चा जब चार महीने का होता है मां के पेट में तो फरिश्ते को जो चीजें लिखकर दे हुक्म मिलता है लिखने का उसमें दिक्कत भी रिस्क ही का लफ्ज भी हदीस में हमें मिलता है कि तो उसकी रोजी भी लिखो भैया अभी आप तो आने के बाद खिलाओगे ना अब्बा जो है आने के बाद खिलाएगा आने से पहले चार महीने का है अंदर अभी कंप्लीट बना नहीं है अभी डिलीवरी नहीं हुई है दुनिया में आया नहीं है और उसका रिस्क लिख दिया गया फरिश्ते ने लिख दिया तो फिर आप क्यों कतल करते हैं ईमान नहीं है फिर अल्लाह पर इस हरीफ पर ईमान है नबी रबीम पर काबिल गौर बात है अल्लाह से डरना चाहिए वाला तक्रबलवा शमहबारहातन अच्छा रिस्क की बात आ रही है आप बताइए लॉकडाउन है कोरोना वायरस है रिस्क मिल रहा नहीं मिल रहा शहरी इफ्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा अल्लाह खिला रहा नहीं खिला रहा बताइए अल्लाह इंतजाम वो करता है तदबीर उसकी है आप सिर्फ ईमान को अपने ठीक करो ना अपने अकीदे को मजबूत करो आप परेशान होकर अपने ईमान को नीलाम मत करो इसमें आपकी खराबी है खुद करदारा इलाज निस्त कहते हैं फारसी में अपने पैर पर कुलाड़ी मारोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे लिहाजा अल्लाह पर ईमान हमारा कवि हो अल्लाह पर ईमान हमारा कवि हो तो रिस्क देता है उसके बाद फरमाएर और तुम फहश फवाहिश के करीब मत जाना फहश काम गुनाहों को कहा गया तफसर में खुलासा अकवाल हैं लेकिन वक्त की, की वजह से सिर्फ बॉटम लाइन ये है कि फवााह गुनाहों को कहेगी वो सारे गुना जिनसे वो सारे गुना जो कुरान हदीस की रोशनी में है अल्लाह ने जिन जिन चीजों जिन जिन से मना किया वो सब फवाहिश अकवाल में भी हो सकते हैं अफायल में भी हो सकते हैं गाली देना फहश है शराब पीना फहश है किसी की बेजती करना फहश काम है जिना बदकारी फहश है वला तक्रबू अल्लाह ने कहा करीब मत जाओ ये नहीं कहा कि मत करो फहश काम उससे ज्यादा इसमें है या ये है कि करीब मत जाओ क्योंकि जब करीब नहीं जाओगे तो इसका मतलब वो काम नहीं होगा तो रास्ते को बंद कर दिया जो आपको उस बुराई तक पहुंचाए क्या पॉइंट है देखिए इसमें वो ने जो जिक्र किया है तकरबू वाला तक्रबोला तक्रबो करीब मत जाओ क्यों करीब जाओगे तो वो चीज हो जाएगी वो मत करो तो इसका मतलब जा सकते हैं वहां पर गुंजाइश नजर आती थी वहां पर वो काम मत करो फहश मत करो नहीं कहा गया क्यों फहश के करीब ही मत जाओ क्योंकि करीब नहीं जाओगे तो फिर फहश भी से भी दूर हो जाओ जाओगे माबहार मिन मा बतन जो, जा, जो, जा, जो जा, जा, जाहिर भी है जो छुपा हुआ है बाद ओपन होते हैं बाद क्लोज भी होते हैं सब बुराइयों से अपने आप को दूर रखो तो पहली चीज़ शिरक दूसरी मां बाप की नाफरमानी तीसरा औलाद का कत्ल चौथा फी फाशी के करीब मत जाओ फहाशी के जो फहाशी है वहां से दूर हट जाओ नंबर पांच और आखिरी इस साइट में कतल नफ्स किसी जान को कत्ल मत करना किसी का किसी जान को कत्ल मत करना बिलहक जिस जान का कत्ल अल्लाह ने हराम कर दिया सिवाय हक से हक क्या है जान का कत्ल हराम है एक चीज किसी की जान नहीं ले सकते आप लेकिन अगर हक के साथ है तो ठीक और हक के साथ तीन चीजें हैं जो अल्लाह के नस्म की हदीस से मालूम होता है अनफ्सु बिन नफ्स अनफ्सु बिन नफ्स या शादी शुदा करने वाले या जिसने दीन छोड़ दिया और जमात से वो हट गया मुसलमानों इनका भी जो कत्ल होगा वो इस्लामी हुकूमत में बादशाह वक्त करेंगे ठीक है तो ये इसके अलावा आपको जायज नहीं है आप कत्ल ना करें या कत्ल करने का सबब ना बने सवाल क्या मौजूदा दौर में जो कोरोना वायरस का मामला चल रहा है अगर डॉक्टर्स और इख्तसाद जो स्पेशल लोग हैं इस फील्ड के वायरस वगैरह क्यों फैलता है इसको जानते हैं अच्छी तरीके से उन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि आप लोगों से जाकर मिलोगे एहतियात नहीं करोगे तो आपकी वजह से वायरस फैल सकता है लोगों की जान जा सकती है तो अगर हमने एहतियात नहीं किया जो कि शरीयत का हुक्म भी है और हमारी वजह से लोगों की जान गई तो इस आयत में तो नहीं आएंगे कहीं हम जी हाँ ने तो जिक्र किया है क्यामत के दिन आएगा वो सवाल कि आपकी वजह से जान गई ना इस सिलसिले में मिसाल देता हूं आपकी वजह इंसान की वजह से भी जान जाती है एक दोस्त को के जमाने का वाक्य एक साथी को सर जख्मी हो गया था सर में फोड़ा था ठीक है और सर्द ठंडी रात भी थी एहतलाम हो गया उनको सफर में सुबह उठे अब एहतलाम हो गया तो गसल वाजिब है ना साथियों से पूछे कोई छूट है मेरे लिए क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है ये जख्मी है मेरा मेरा सर जख्मी है तो मैं नहाऊंगा तो मुझे डर है कि जख्म फैल ना जाए और मेरे लिए खतरा ना लायक हो जाए तो उन लोगों ने कहा कि नहीं 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 जरूरी है नहाना फतवा दे देना नहीं हो जाता उमरा दम देना वाजिब सा है ऐसा कैसा साहब हम जिद्दा वाले हैं हमको मालूम है वो तजवीद के एक आयत नहीं पढ़ सकते हैं सही तलफ सही नहीं है उनका कुरान का उनका यह हाल है कि वो फतवा में नजर आते हैं तो फतवा दे दिया कि नहीं नहाना जरूरी है वो नहा है जख्म फैल गया मौत हो गई प्यारे नबीरम के बाद तो लोगों ने उसको मार दिया अल्लाह इनको मार दे जब मसला नहीं मालूम था तो पूछे क्यों नहीं तो कत्ल का या तो डायरेक्ट आप किसी का कत्ल करते हो या आप जरिया सबब बनते हो यह दोनों चीजों से बचना चाहिए कि आ, कि आ, जिसका, आ, वबाल आएगा और उसके बाद ने फरमाया ताकि इसकी वसीयत अल्लाह ने की है यानी ये वसीयत अल्लाह की कि इन पांचों चीज़ों से अपने आप को बचा के रखो आखिर में अल्लाह से दुआ गो हूँ चूँकि वक्त खत्म हो रहा है अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इन हराम चीज़ों को समझ कर इससे बचने वाला बनाए और अगर हमसे इसमें से किसी चीज़ की गलती हो गई है तो अल्लाह हमें तोबा और इस्तिग़फार की तौफीक दे दें अल्लाह ताला, ताला, ताला तौबा कबूल करने वाला गुनाहों को माफ़ करने वाला है अल्लाह जमीन भर भी अगर गुनाह इंसान के हो जाए आसमान तक छू लें उसके गुना अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग ले तो अल्लाह उसको सारे गुनाहों को माफ कर देगा अल्लाह ताला हमको माफ कर दे अल्लाह हम पर रहम फरमा अल्लाह ताला हराम चीजों से हमें दूर रखे आमीन वाखुल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू